हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप की। सो पिछले वीडियो में मैंने फॉर लूप के बारे में बात किया था और एक इंट्रोडक्शन भी दिया था फॉर लूप होता क्या है। और लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रोग्राम कराया था फॉर लूप से 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। सो एक बार उस प्रोग्राम को फिर से देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर, फिर एक वेरिएबल लेंगे, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आई, बी, एक्स, कोई भी वेरिएबल। मैं आई ले लेता हूँ, देन इन, इन एक कीवर्ड है, और फिर एक फंक्शन है रेंज, RANGE। रेंज फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, 5। रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 4 तक, यानी 5 के एक पहले तक हर बार आई में एक वैल्यू स्टोर करेगा। यानी जो हमारा रेंज फंक्शन है, फर्स्ट टाइम वो आई में क्या स्टोर करेगा, 0, देन सेकंड टाइम क्या स्टोर करेगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर बस 4 तक। 5 हमने पास किया है ना, 5 के एक पहले तक। और जितनी बार रेंज फंक्शन आई में वैल्यू स्टोर करेगा उतनी बार हमारा लूप चलेगा। अब आपको लूप में क्या करना है, सपोज 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। सो प्रिंट, आप जो भी यहाँ पे प्रिंट में लिखोगे वो जितनी बार लूप चलेगा वो स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसको हम रन करते हैं, देखो 5 बार हेलो वर्ल्ड आ गया। सो रेंज फंक्शन को और हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो रेंज फंक्शन में बेसिकली हम 3 वैल्यू देते हैं। जो हमारा रेंज फंक्शन होता है इसमें हम 3 वैल्यू देते हैं। पहला स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से करना है। सेकंड स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप होना है। एंड थर्ड स्टेप साइज, क्या स्टेप साइज लेनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे रेंज फंक्शन में अभी मैंने सिर्फ एक वैल्यू पास किया है 5, तो अपने आप बाई डिफॉल्ट स्टॉप वाली वैल्यू हो गई, मिड वाली। मतलब कहां से कहां तक जाएगा, पहली वैल्यू तो हमने दिया नहीं है, तो पहला डिफॉल्ट वैल्यू रेंज फंक्शन अपने आप 0 ले लेगा और 0 से स्टार्ट करेगा, और जो स्टॉप की वैल्यू है उसके एक पहले तक, यानी 4 तक। ठीक है, और अभी थर्ड वैल्यू स्टेप साइज मैंने नहीं दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो जैसे यहां पर मैं स्टार्ट कर देता हूं 2, सो अब हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करेगा, 2 से स्टार्ट होगा, तो आई में एक बार 2 आएगा, फिर आई में 3 आएगा, फिर आई में 4 आएगा, यानी सिर्फ 3 बार। सो रन करते हैं, ये देखो फाइन। उसी तरीके से अब मान लो स्टेप्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 5 की जगह 10 दे देता हूँ। अगर इसको रन करूँगा तो टोटल कितनी बार प्रिंट किया, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार। कैसे, क्योंकि आई में एक बार 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट, यहाँ पे वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, तो अगर मैंने स्टेप की वैल्यू नहीं दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट 1 ही लेता है। तो देखो मैं अभी भी रन करूंगा तो वही आएगा 8 बार, बट अगर मैंने यहाँ पे स्टेप साइज 2 ले लिया तो अब क्या होगा, अब देखो सिर्फ 4 बार आया। ऐसा क्यों, अगर स्टेप साइज मैंने 2 लिया है तो उसका मतलब ये हुआ आई में फर्स्ट टाइम आएगा 2, फिर सेकेंड टाइम आएगा 3, नहीं स्टेप 2 लेगा, 2 के बाद 3 को स्किप, देन 4, देन आई में 4 आएगा, देन उसके बाद आई में क्या आएगा, फिर 5 को छोड़ के 6, देन 7 को छोड़ के 8। तो लूप सिर्फ 4 बार चलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे आई को प्रिंट करके देख सकते हो। अगर मैं प्रिंट में आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, सो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ये देखो क्या आया, 2, 4, 6, 8। मतलब आई में एक बार वैल्यू 2 आई, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तब क्या होगा, आई में 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा। 10 मैंने दिया है ना स्टॉप पे, तो उसके एक पहले तक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आई में स्टॉप, जो हमारा स्टेप साइज है, मैं नहीं लेता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट 1 होता है, देखना सेम आउटपुट आएगा। ओके, अगर मैं स्टेप साइज में ले लेता हूँ 3, फिर क्या होगा, सो ये देखो 2, 5, 8। ऐसा क्यों, आई में फर्स्ट वैल्यू आया 2, 2 के बाद 3 स्टेप लेगा, यानी कि 3 स्किप, 4 स्किप, एंड थर्ड पे क्या आया, थर्ड स्टेप पे 5, तो 5 प्रिंट किया। फिर 5 के बाद 6 को स्किप करेगा, 7 को स्किप करेगा, तो 2 स्टेप हो गया, और थर्ड स्टेप पे क्या रहा, 8, तो 8 को प्रिंट कर देगा। 8 के आगे जा नहीं सकता क्योंकि 9, 10, 10 इंक्लूड हो जाएगा। सो आई होप फॉर क्लियर हो गया होगा क्या होता है, क्या करता है। अभी फॉर और स्ट्रिंग को कंबाइन करके मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, जो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो में लगता है इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।